Hello everyone, this is Mustafa and welcome back to the another vlog. और आज है स्पेशल डे क्योंकि आज है मेरा बर्थडे और आज यार मतलब एकदम नवाब होते हैं ना बर्थडे के दिन, जब मन चाहे तब उठो और जो मन करे वो करो। हमारे घर का रूल कैसा है, जब कभी भी किसी का भी अगर बर्थडे होता है तो उसके मनपसंद चीज़ बनाई जाती है और आज मेरा बर्थडे है तो मेरे मनपसंद चीज़ बनाई गई है, वो है बिरयानी। तो भाई फटाफट अभी जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ नहा धो के और बिरयानी वगैरह खा के मतलब अपना लंच करके निकल रहा हूँ मैं बाहर। बताऊँगा नहीं किधर जा रहा हूँ। व्लॉग को एंड तक देखो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो और कमेंट करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो। चलो अभी मैं और रेहान रेडी हो गए निकलने के लिए। अभी हम लोग फ़िलहाल है स्टॉप पे, किधर जा रहे हैं थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। फ़िलहाल तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेंटा क्रूज, बस नंबर पकड़ना है हमको 507। मोमेंट्स लेटर अभी हम लोग सेंटा क्रूज पहुँच गए, सेंटा क्रूज स्टेशन पे हम लोग। अभी हम लोग दूसरे साइड जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए, फिर वो बस डायरेक्ट हमको अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचाएगी। वो डेस्टिनेशन क्या है आप लोग को पहुँच कर ही बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, मैं और रियान। और बहुत सारी नहीं बस चेंज करना पड़ा हम लोग यहाँ से, तो इतनी बस पता नहीं कहाँ कहाँ के लिए नहीं जाती, दो डिपो हम लोग यहाँ पे। फ़िलहाल अभी हम लोग पहुंच गए जहाँ हमें आना था। और बोलते ना जब हमें प्यास लगती है तो ही पानी का मज़ा आता है, तो वैसे कुछ हो रहा है आज। जब बोलते ना कि यार कब पहुँचेंगे, वो जो भूख बढ़ती जाती है उसके बाद जब हम वो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं तो इतनी मज़ा आती है, वैसी मज़ा आ रही है अभी। फ़िलहाल अभी हम लोग आए हैं जूह चौपाटी, तो आज का मेरा बर्थडे मैं अपनी तरीके से इंजॉय कर रहा हूँ। बस मैं केक वगैरह इतने नहीं काटता हूँ, पसंद है लेकिन नहीं काटता हूँ और ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। बस अपनी जैसी लाइफ मैं आज का दिन गुजारना चाहता हूँ वैसा गुजारता हूँ। रियान ने अपना मोबाइल एयरपोर्ट सब मेरे बैग में डाल दिया है, पूरा प्लानिंग है इसका जंप मारने का पानी में। बस पब्लिक देख रही है हमको, तो अभी एक प्रॉब्लम हो रही थी हम लोग को। अच्छा मैंने बैग लेके आया, हम लोग ने अपने शूज सैंडल जो भी है सब निकाल के बैग के अंदर डाल दिए और अभी कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोग को पानी के अंदर जाने के लिए। A few moments later. जो अपना फर्स्ट व्लॉग बनाया था वो जूह चौपाटी का ही व्लॉग था। पहले तो आवाज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती थी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था, अभी माइक है। रेहान बहुत आगे तक चला गया है, जा रहा हूँ उसको लेने, पूरा डूब गया है, पूरा डूब के नहा रहा है वो।
ये बहुत खूबसूरत सनसेट होता हुआ। भाई सनसेट का टाइम हो गया, हम लोग अभी तक का पानी में थे। रेहान की हालत देखो, अब भी जस्ट पानी में से निकला है। ओ भाई मज़ा आ गई। ले हाथ में ले जल्दी। खा तो एक बाइट, जल्दी जल्दी खा तो। तो हम लोग का खेल के हो गया पानी में। रेहान तो बहुत भीगा, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। मेरा माइक पूरा भीग गया है, मुझे नहीं पता वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी हम लोग फिलहाल भुट्टा खाने आए थे, भुट्टा खाएंगे, देखेंगे, पानी पूरी खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा और बहुत इंजॉय किया हम लोग ने।